को अगर ये प्रश्न पूछो, हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, आप हाथ ऊंचा करें। यहां बैठे हैं आप सबको मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको जीवन में हर तरह की सिद्धि चाहिए या नहीं। इफ येस देन रेज योर हैंड्स। सबको चाहिए, लेकिन हमारे लिमिटेशंस ये हैं, सोच की मर्यादा ये है कि हम प्रोग्रेस को सक्सेस मान लेते हैं। एक सबसे बड़ी हमारी भूल है जीवन में समझना, कहीं प्रकार की प्रोग्रेस साथ में आती है तब सक्सेस बनती है। मैनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रेस दे कम टूगेदर टू ब्रिंग सक्सेस इन लाइफ। सक्सेस इज नॉट जस्ट अ गुड बिजनेस, सक्सेस इज नॉट जस्ट अ फ्यू रिलेशनशिप्स वेल सेट, सक्सेस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ गुड हेल्थ एंजॉयड। ये सब एक एक वर्टिकल्स है, वो प्रोग्रेस है, और कहीं प्रकार की ऐसी प्रोग्रेस साथ में आती है तब सक्सेस बनता है। इस प्रकार का सक्सेस हमें चाहिए, दैट एट द एंड ऑफ योर लाइफ जब आप 80-90 साल के हो तब आप अपनी छाती पे हाथ रख के बोल सके कि यस आई लिव्ड माय लाइफ, भगवान ने मुझे ये 70-80 साल का जीवन दिया था, 5-10 प्लस माइनस भगवान की कृपा से, लेकिन वो मैं जिया, आई लिव्ड इट। इस प्रकार का एक संतोष जीवन के अंत समय में आए, दैट इज योर लाइफ वेल लिव्ड। तो उसके लिए थोड़े विचार और थोड़े अभिगम, और उस विचार और उस अभिगम को बेस बना के, फाउंडेशन बना के कुछ स्पष्ट प्रकार की वर्तणूक भी जीवन में चाहिए। Remember, success never comes overnight. It is one step at a time. मैं कई बार बात करता हूं कि आप हिमालय के ऊपर, एवरेस्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर में जा पहुंचे तो आपका फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं छपेगा। वो कब छपता है? When you go from the base and you walk from the bottom. तो सक्सेस इज नॉट एन ओवरनाइट स्टोरी, इट इज नेवर अ वन डे स्टोरी। तो ये विचार सबसे प्रथम जीवन में स्पष्ट करना है। आप कहीं लोग को देखते होंगे, कहीं को मिले भी होंगे कि बहुत चंद समय में, थोड़े समय में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन इनके पीछे भी उनका पुरुषार्थ तो रहता है, कोई सही विचारधारा तो रहती है, कोई स्पष्ट प्रकार के वर्तन भी रहते हैं। तो उसमें प्रथम विचार यह है कि भगवान ने जो हमें यह मनुष्य दे दिया है उसकी कीमत बहुत बड़ी है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो एक अलग बात है, एक स्थूल दृष्टि से आप देखें, अमेरिका में कई साइंटिस्ट ने इकट्ठे होके अगर यह मनुष्य शरीर लेबोरेटरी में बनाना है, वो भी जीवित नहीं है, मुर्दा, तो ये साइंटिस्ट ने कुछ प्रयोग करके ये बात बताई कि एक मुर्दा ह्यूमन बॉडी अगर बनाना है तो इट विल कॉस्ट अबाउट $5 trillion, मिलियन नहीं, बिलियन भी नहीं, $5 trillion, वो भी मुर्दा। आप उसके मुंह में आइसक्रीम रखो तो पानी नहीं निकलेगा, आप उसकी प्रशंसा करो तो वो हंसेगा नहीं, आप उसका अपमान करो तो वो मूर्छा नहीं जाएगा। A dead human body is $5 trillion. तो एक बड़ी अमानत लेके हम बैठे। If you live for 100 years, अगर आप 100 साल जिए तो ये $5 trillion की कीमत की जो मनुष्य दे आपके पास है, every second is crores of rupees.
तो पहले ये सोच करनी है हमें दृढ़ कि एक बहुत अमूल्य चीज हमारे पास है, उसका सही उपयोग हमें करना है।